हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन टॉप 10 वेबसाइट्स की जो आप यूज कर सकते हैं अगर आप कॉलेज के अंदर हैं और आपको इंटर्नशिप्स करनी है, या फिर आप एक फ्रेशर हैं और आप जॉब लेना चाहते हैं, या फिर आप एक इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं एंड शिफ्ट करना चाहते हैं किसी और जॉब में। तो इनमें से कोई ना कोई वेबसाइट आपके ज़रूर काम आ जाएगी, फिर चाहे वो इंटर्नशिप्स हो, फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब्स, या फिर फ्रीलांसिंग वर्क। अब इन टॉप 10 की लिस्ट में सबसे ऊपर है LinkedIn.com। LinkedIn पर अगर हम जाएं तो LinkedIn आजकल एक हब बन गया है आपके लिए करियर में एक्सेल करने का, जॉब्स ढूंढने का। एंड इवन रिक्रूटर्स भी बहुत ज़्यादा आजकल LinkedIn को यूज़ करते हैं अपने जॉब्स के बारे में पोस्ट करने के लिए। अब LinkedIn पर सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा यूजिंग अ Gmail ID। आप Gmail ID को यूज़ करके अपना अकाउंट बना सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर डाल सकते हैं कि आपने कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन की, या आप अभी कर रहे हैं, कहाँ आपने इंटर्नशिप्स की है, कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, क्या आपको स्किल्स पहले से आती हैं, किस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों को फॉलो कर सकते हैं। तो LinkedIn इज बेसिकली लाइक अ फेसबुक फॉर प्रोफेशनल्स। अब इसमें LinkedIn पर एक जॉब्स नाम का सेक्शन होता है जिसमें जाकर आप अपने फेवरेट जॉब्स के बारे में सर्च कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप सर्च कर सकते हैं एंड डिफरेंट जो पोजीशंस ओपन होंगी वो आपके लिए खुल जाएंगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेसबुक Washington DC में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो पोजीशन है वो आपको दिख जाएगी, TikTok, Apple, काफ़ी सारी पोजीशन। एंड अभी यहाँ पर लोकेशन जो है वो US की है। अगर हम इसको चेंज करके इंडिया कर लें तो इंडिया की सारी जो ओपन जॉब्स हैं जैसे Amazon, Microsoft, Google, तो जितनी भी मेजर कंपनीज होती हैं वो यूजुअली आजकल LinkedIn पर पोस्ट करती हैं अपने ओपन पोजीशंस के बारे में। साथ के साथ बहुत सारे स्टार्टअप जो फ्रीलांसर्स को ढूंढ रहे हैं वो भी यहाँ पर पोस्ट करते हैं। तो आप LinkedIn को यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशंस के लिए। अब मान लेते हैं अगर हमें बैकएंड इंजीनियर के लिए अप्लाई करना है तो हमारे लिए एप्लीकेशन पूरी की पूरी खुल रही है जिसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो सेम चीज़ हमने दूसरे टैब में खोल ली है। यहाँ पर हमें जॉब के बारे में पता है कि 4 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, कौन सी लैंग्वेजेस हमें आनी चाहिए, क्या प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है एंड बाकी सारी डिटेल्स। अब यहाँ सिंपली अप्लाई पर जाकर हम क्लिक कर दें अगर हर एक प्रोफाइल के नीचे, तो यहाँ पर गूगल का ऑफिशियल करियर पेज खुल जाएगा जहाँ पर जाकर हम अपनी एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं अपने मनपसंद जॉब्स के लिए। अब इसमें सेकेंड साइट की अगर बात करें तो वो है Indeed.com। Indeed आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो अगर आप Indeed.com पर जाएंगे तो इंटरफेस जो हमारे लिए वो कुछ ऐसा दिखेगा जहाँ पर आपको अगेन अपनी Gmail ID को यूज़ करके एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। यहाँ पर आप वॉट में जाकर सर्च कर सकते हैं कि किस टाइप के जॉब के लिए आप सर्च कर सकें। मान लीजिए कि हमें UI/UX डिज़ाइनिंग में कोई जॉब चाहिए तो हम लिखेंगे UI/UX डिज़ाइनर, और हमें ये जॉब चाहिए नोएडा के अंदर। तो फाइंड करें तो काफ़ी सारे जॉब्स हमें दिख जाएंगे जहाँ पर सैलरी हमें दिख रही होगी एंड अपनी सैलरी जितनी हमें अच्छी लगती है उस हिसाब से अगर हम एक इंटर्न पोजीशन के लिए मान लीजिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई नाउ पर यूजुअली हमें क्लिक करना होता है जहाँ भी हम अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स हम फिल कर सकते हैं एंड एप्लीकेशन भर सकते हैं अपने जॉब के लिए। अब थर्ड अगर साइट की बात करें तो वो है Naukri.com। Naukri.com भी Indeed.com की तरह काफ़ी सिमिलर है जहाँ पर जाकर आप डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से डिफरेंट जॉब्स को सर्च कर सकते हैं। फोर्थ साइट की अगर बात करें तो वो है Freelancer.in। Freelancer वो साइट है जहाँ पर यूजुअली फ्रीलांसिंग का काम होता है। अब मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो होते हैं वो फुल टाइम होते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप अपने फ्री टाइम में या फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से अगर काम करें तो वो हो जाती है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के लिए जो भी लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं उनमें Freelancer.in एक काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है। एक दो वेबसाइट्स और हैं फ्रीलांसिंग के लिए, पर इंडिया में फ्रीलांसर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप वहाँ पर जाकर अपनी स्किल्स बता सकते हैं, अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज के लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप उनके लिए काम कर सकते हैं। फिफ्थ वेबसाइट की बात करें तो वो है जॉब्स नियर मी। तो आप अगर गूगल पर जाकर सर्च करेंगे jobsnearme.co.in तो ये एक वेबसाइट खुलेगी आपके लिए जिसमें आप डिफरेंट कीवर्ड एंड डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं एंड उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद जो सिक्स्थ वेबसाइट है उसका नाम है freshersworld.com। तो अगर आप अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं, एक नए फ्रेशर हैं, तो आप freshersworld.com को विजिट कर सकते हैं।
अब इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ दीज वेबसाइट्स का जो इंटरफेस रहता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, जिसमें ऊपर आपके पास ऑप्शन होता है जॉब के टाइटल के बारे में सर्च करने का, एंड एक ऑप्शन आपको लोकेशन का दे दिया जाता है, क्योंकि ये सेम वेबसाइट बहुत सारी कंट्रीज में, बहुत सारी स्टेट्स में यूज होती है। तो अब यहाँ पर कीवर्ड के हिसाब से मान लीजिए कि हम नोड जेएस पर कोडिंग करते हैं, विच इज़ अ बैक एंड टेक्नोलॉजी, एंड उसके साथ हमने बीटेक किया है एंड लोकेशन है हमारी दिल्ली। तो उस हिसाब से अगर हमें जॉब सर्च करना हो तो डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन हमारे लिए यहाँ पर आ गई हैं, जिसके लिए हमें पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप अपनी ईमेल को यूज़ करके इन सारी की सारी वेबसाइट्स पर, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। सेवन वेबसाइट की बात करें तो इसका नाम है monsterindia.com। अब monsterindia.com इज़ वेरी सिमिलर टू अदर वेबसाइट्स। अगर हम जाएं monsterindia.com पर, तो यहाँ पर भी आप स्किल्स, कंपनी, जॉब टाइटल, लोकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिफरेंट कंपनीज को सर्च कर सकते हैं एंड वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। एट वेबसाइट है अपना ऐप। अब अपनी कक्षा ने अपना ऐप को नहीं बनाया है, ये एक अलग से एप्लीकेशन है एंड्रॉयड फोन्स के लिए, जहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं एंड डिफरेंट जॉब्स के लिए आप सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप अपना ऐप पर जाकर रजिस्टर करें। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आप देख पा रहे हैं जो इस ऐप पर आकर पोस्ट करती हैं। तो इस तरीके से आप जॉब सर्च कर सकते हैं इवन अपने मोबाइल फ़ोन से। अब नाइन्थ टाइप ऑफ वेबसाइट्स होती हैं हमारे करियर साइट्स ऑफ कंपनीज। आपको जिस भी कंपनी में अप्लाई करना है, अगर उनका कोई ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर वो कंपनी लार्ज स्केल पर काम करती है, तो यूजुअली उनका जो पेज होगा, उनकी जो वेबसाइट होगी, उस पर करियर्स या जॉब्स नाम का ऑप्शन होगा, जहाँ जाकर आप डायरेक्टली उस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें माइक्रोसॉफ्ट में अगर अप्लाई करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट करियर्स के नाम से हम गूगल पर सर्च कर सकते हैं। जो पहला लिंक आएगा वहाँ पर जाकर डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के लिए हम सर्च करेंगे, तो हमारे लिए जितनी भी ओपन पोजीशंस होंगी वो दिख जाएंगी हमें उन्हीं के करियर पोर्टल पर। ये सेम चीज़ बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स के लिए हम कर सकते हैं। हम गूगल करियर सर्च कर सकते हैं, तो गूगल में जितनी पोजीशंस ओपन होंगी वो दिख जाएंगी। सेम फॉर अमेजॉन करियर्स, तो आप अमेजॉन करियर्स पर अगर जाएं, तो वहाँ पर भी जितनी जॉब्स अवेलेबल हैं अभी इस टाइम पर कंपनी में, वो सारी आपके लिए विजिबल हो जाएंगी। तो देख सकते हैं कि बहुत सारी इंजीनियरिंग जॉब्स जो जो अवेलेबल हैं, उन पर जाकर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जिस भी मेजर कंपनी में आप इंटरेस्टेड हैं, उसके करियर पेज पर जाएं और वहां पर जाकर अप्लाई करें फॉर स्पेसिफिक पोस्ट। अब लास्ट जो वेबसाइट है वो है google.com। google.com इज ट्राइड एंड टेस्टेड। आप google.com पर जॉब्स के लिए कैसे सर्च कर सकते हैं? सिंपली आपको लिखना है जॉब्स नियर मी। अब जॉब्स नियर मी आप जैसे ही लिखेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स आपके लिए गूगल के वेब पेज, मतलब होम पेज पर ही डिस्प्ले हो जाएंगी। यहाँ पर अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ऐड कर दें, तो स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब्स आपको दिखने लग जाएंगी। तो जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, या इवन गूगल का ये जो पेज है जॉब्स के अंडर जो कार्ड आता है, उसमें जाकर आप सर्च कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पोजीशंस। तो यहाँ पर अगर हम माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 की बात करें, तो दो पोर्टल्स के लिंक हमें मिल जाएंगे जहाँ जाकर हम इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें किसी और कंपनी में अप्लाई करना है, विप्रो में अगर हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारे लिंक्स हमें दिख जाएंगे जिन पर जाकर हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से google.com बहुत ज़्यादा हैंडी है जब भी आपको किसी भी जॉब, किसी भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। आई होप कि इन 10 वेबसाइट्स को, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स को, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे जब भी आप एक इंटर्नशिप या एक फुल टाइम जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, अगर अपनी कॉलेज या प्रोफेशनल जर्नी के अंदर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।